क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को पैसा इतना क्यों पसंद है? क्या तुम्हें भी पैसा पसंद है? मुझे तो पैसा पसंद है और मुझे लगता है कि 90% लोगों को भी पैसा पसंद है। पर क्या पैसा एक्चुअल में जरूरी है? बड़ा क्रेजी थॉट है ना ये। तो इस कहानी का मुख्य किरदार है इंसान, क्योंकि जानवरों को तो पता ही नहीं पैसा क्या है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जिसको पैसा पता है और उसको पैसे के अलावा कुछ नहीं पता। कुछ कुछ महान लोग है जिन्होंने इसके आगे की दुनिया भी देख ली है, लेकिन वो देखने के लिए भी तो उनको पैसा लगा होगा ना, नहीं तो एटलीस्ट वक्त लगा होगा। और पैसा ही वक्त है और वक्त ही पैसा है। लोगों को पैसा शायद इसके लिए पसंद है कि अलग अलग चीजें खरीद सके, घर खरीद सके या अच्छी पढ़ाई कर सके जिससे और पैसा मिले, अपनी फैमिली का ध्यान रख सके, और ये सब नहीं तो एटलीस्ट दो वक्त की रोटी तो खा सके। या फिर भाई बस लालच ही है जो और पैसा 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 करने पे मजबूर करती है। तो ऐसी क्या चीज है जो कि लोगों के पास पैसा पहुंचने से रोकता है? सबसे पहली बात तो ये है, पैसे का बंटवारा पूरी दुनिया में अजीब से तरीके से हुआ है। किसी के पास इतना पैसा है कि वो पूरा देश खरीद सकता है, तो किसी के पास इतना भी पैसा नहीं है कि उसको पता चले कि कल क्या होने वाला है। उसको कल का पता नहीं। पर आजकल की दुनिया में जैसे पैसे कमाना आसान हो गया है, या शायद ऐसा दिखता है कि आसान है, ऐसा आखिर हुआ ही क्यों कि पैसे का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ? कुछ लोगों ने फटाफट पैसे बटोर लिए और अपने पास जमा कर लिए, तो कोई कोई को पैसे पुरखों से मिले हैं, यानी खानदानी पैसा। आजकल तुम शातिर हो या चालाक हो तो पैसा कमाना काफी आसान हो जाता है। ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स है या कोई भी नॉर्मल सा बिजनेस, अगर ये इतना ही आसान है तो सब लोग क्यों नहीं कमा पाते? एक तो ये है कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है सही वाली, पर इंटरनेट के आने के वजह से ये गैप थोड़ा कम हो गया है। पर लोग इंटरनेट पे पढ़ाई कम और मजे ज्यादा लेते हैं आजकल। और हम एजुकेशन की बात को छोड़ दें तो उसके अलावा भी चीजें हैं जिसके वजह से लोगों तक पैसा पहुंच नहीं पाता। एक तो है जॉब। जॉब से पैसा तो आता है पर हम अटके रहते हैं EMI और अलग अलग चीजों में। दूसरी चीज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जिम्मेदारी। अगर जिम्मेदारी हो किसी पे तो लोग रिस्क लेने से पहले हिचकिचाते हैं या डरते हैं। या और एक चीज है जैसे कि विकृति, विकलांग लोगों के लिए और मुश्किल होता है पैसे कमाना, क्योंकि वो जिंदगी से ऑलरेडी अलग तरीके से लड़ रहे होते हैं। पर मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर ये सब नहीं है तो एक आखिरी चीज है जो पैसा कमाने से रोकती है, जो कि है लेजीनेस, यानी कि आलस। आलस है भाई, आलस है, हर किसी को यहाँ पे आलस है। अगर लोगों को पैसा ठीक से नहीं मिला तो वो अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पाएंगे, परिवार का ख्याल ठीक से नहीं रख पाएंगे, बच्चों की पढ़ाई और उनका पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगे, और उनकी लाइफस्टाइल अफेक्ट होगी और इसी से और गरीबी होगी और वो लूप खत्म ही नहीं होगा। पर जरूर उसमें से कुछ लोग होंगे जो लूप तोड़ के बाहर आएंगे, और ऐसे लोग और लोगों की मदद कर सकते हैं और जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सतर्क हो जाओ, एक अच्छा मेंटोर ढूंढो, यानी कि उपदेशक जो आपको जिंदगी में क्या करना है वो बता सके। चीजें करो, एक्सपेरिमेंट करो, हारो फिर करो, बस करते जाओ और लोगों को आगे बढ़ाते जाओ। अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ नहीं सकते तो वीडियोस देख के सीखो, या बाहर निकल के लोगों को देखो और सीखो, और लोगों की मदद करते रहो। ये सब करो और गरीबी की लकीर से ऊपर आने की कोशिश करो। अगर तुम आ गए हो तो लोगों को उसके ऊपर आने की मदद करो और एकजुट हो जाओ। पर परिवार ही सबसे इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। परिवार घर वालों का, परिवार अच्छे दोस्तों का, परिवार देशवासियों का, और परिवार इस धरती। बट क्या पैसा सच्ची में इतना जरूरी होता है? आपको क्या लगता है?